नमस्ते, कैसे हैं आप सब। पिछली बार जो वीडियो मैंने बनाया और उसमें अपने गांव की तस्वीर आपको दिखाई, उत्तराखंड की बातें हुई, वहां की परंपराओं का जिक्र आया, उत्तराखंड को लेकर जो मैं सोचती हूँ कुछ उसका अक्स आपको देखने को मिला, तो बड़ा अप्रिशिएट किया आप सबने उसके लिए। और वैसे भी जैसे मैं ट्विटर पर, फेसबुक पर जब जब लिखती हूँ तो बड़ी आप लोग प्रशंसा करते हैं उस बात की और एनकरेज करते हैं कि और ज़्यादा से ज़्यादा राज्य की बातें आपके सामने रखूँ। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच उसके लिए। और आज एक और ख़ास बात उत्तराखंड को लेकर आपको बताना चाहूँगी, और बात यहाँ पर सिर्फ उत्तराखंड की नहीं है बल्कि 16 अगस्त जो तारीख है, ये भारत रत्न, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि भी है। और बहुत सारे लोग आज उनको लेकर अपने विचार भी जाहिर कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। लेकिन अगर आप उत्तराखंड गए हैं, अगर आप उत्तराखंड के निवासी हैं, उत्तराखंड के वो निवासी हैं जो अब पलायन करके बाहर शहरों में रह रहे हैं, तो आज आपके बच्चों को ये बात ज़रूर पता होनी चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का उत्तराखंड से एक ख़ास लगाव, एक ख़ास नाता रहा है। सबसे पहला अगर मैं टाइटल स्वरूप कहूँ या सबसे इम्पॉर्टेंट बात कहूँ, तो राज्य के जनक के रूप में पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी को देखा जाता है, क्योंकि उनके ही शासनकाल में उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ साल 2000, और इसीलिए उत्तराखंड के निवासी अटल जी के योगदान को कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि एक लंबी लड़ाई आंदोलनकारियों ने राज्य के लिए लड़ी, कुर्बानियाँ हुई, कितनी तकलीफ़ें उन्होंने सही, और उन सब के बाद आखिरकार पर्वतीय राज्य का गठन हुआ जिसमें अटल जी की विशेष भूमिका रही। अटल जी अक्सर उत्तराखंड जाया भी करते थे, यूं तो जो उनके राजनीतिक कार्यक्रम होते थे या जो वैसे लोगों से मिलना जुलना वो सब तो अलग बातें हैं, लेकिन सुकून की जब चाह होती थी, मन की शांति की जब ज़रूरत होती थी, तो ऐसे में रुक करते थे हिल स्टेशंस का, ख़ास तौर पर नैनीताल और मसूरी। उत्तराखंड के वासी और ख़ास तौर पर जो लोग नैनीताल और मसूरी में बसते हैं वो तो इस बात के विशेष रूप से गवाह हैं। कई बार उनका वहाँ आना जाना हुआ, नैनी झील में नौकायन की उनकी जो तस्वीरें हैं वो काफ़ी जो है फेमस भी रहीं। लेकिन आप ये भी समझिए कि अटल जी जो राजनीतिक रूप से उनकी जो शख्सियत है वो तो एक अलग बात है, लेकिन हमेशा जो उनके विरोधी भी हैं वो उनकी भाषा शैली से लेकर उनके जनसंवाद और उनके कवि हृदय को लेकर हमेशा प्रशंसा करते रहे। और ऐसे में जब भी कवि हृदय व्यथित होता, वो हृदय जो बड़ा संवेदनशील है, जो किसी दूसरे की तकलीफ से बड़ा प्रभावित होता है, तो ऐसे समय में सुकून पाने के लिए वो रुक करते थे उत्तराखंड का। एक वजह तो ये भी हो सकती है कि दिल्ली से उत्तराखंड नज़दीक है, तो आप एक दिन में कुछ घंटों का सफ़र करके वहाँ पहुँच जाते हैं। तो ऐसा ही एक वक्त साल 2002 का भी है जब वाजपेयी जी का वहाँ पर जाना हुआ। हालांकि कई लोग ये भी कहते हैं कि उस समय क्योंकि गुजरात में भयंकर भूकंप आया जिसमें हज़ारों लोगों की मौत हुई और बड़ा व्यथित थे, उस बात से व्याकुल थे, तो उस साल उन्होंने होली ना मनाने का भी फैसला किया। और फिर एक बार जब उनका उसी दौरान जब उत्तराखंड आना हुआ तो मन की शांति के लिए भी वो वहाँ पर पहुँचे। लेकिन सिर्फ इसी पहलू से नहीं बल्कि लोग इसलिए भी याद करते हैं क्योंकि उस दौरान उन्होंने कई मेजर अनाउंसमेंट्स उत्तराखंड के लिए किए और अगले 10 साल के लिए, क्योंकि साल 2000 में उत्तराखंड का गठन हुआ और राज्य उस समय भी विकास के लिहाज से जिस तरह से पिछड़ा हुआ था, जो परिस्थितियाँ वहाँ पर थी, तो एक बूस्ट देने के लिए, एक बूम देने के लिए वहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स आए और उसे कैसे प्रमोट किया जाए, इसे लेकर उस दौरान भी प्रयास हुए। नैनीताल वाजपेयी जी का आना हुआ तो 29 मार्च 2002 की ये तारीख थी जब वाजपेयी जी पहुँचे और राजभवन में तत्कालीन मुख्यमंत्री एनडी तिवारी ने उनका स्वागत भी किया और 30 मार्च को उन्होंने नैनी झील में नौकायन भी किया और गवर्नर्स बोट हाउस क्लब में भोजन करते हुए भी कवि हृदय अटल जी झील के सौंदर्य को निहारते रहे। तो देखिए, जिस बात का मैं जिक्र कर रही थी, कवि हृदय, और ऐसे में प्रकृति की गोद में पहुंचने के बाद जो एक शांति महसूस होती है, एक चिंतन का आपको समय मिलता है, आप अपने भीतर की गहराइयों में झांकते हैं, आप बाहर की दुनिया को समझते हैं, बाहर की दुनिया को ऑब्जर्व करते हैं, और ये सब एक कवि हृदय को लेखन के लिए, रचना के लिए, निर्माण के लिए सबसे उपजाऊ ज़मीन देती है। और शायद यही वजह है कि अटल जी का उत्तराखंड से एक विशेष लगाव रहा। इस दौरान जब उन्होंने झील की बदहाली देखी, क्योंकि लोग पहुंचते तो बड़ी संख्या में हैं लेकिन
गंदगी फैला दी, नदी की झील की हालत ख़राब है, पानी जो है स्वच्छ नहीं है, निर्मल नहीं है, और ऐसे में 200 करोड़ रुपए का बजट जो है उन्होंने झील संरक्षण के काम के लिए अनाउंस किया। और लोग आज भी ये मानते हैं कि अटल सरकार ने जो उस समय नैनीताल झील के लिए ये बजट अलॉटमेंट किया, ये उस झील के संरक्षण के लिए एक ऑक्सीजन बना। मैं कि उत्तराखंड अगर आप गए होंगे या आपके दोस्त होंगे उत्तराखंडी, तो आप बाल मिठाई के बारे में तो ज़रूर जानते होंगे। चॉकलेट जैसी मिठाई दिखती है और उसके ऊपर सफ़ेद रंग के इलायची के दाने होते हैं, तो लोग बड़ा पसंद करते हैं। और जो भी बाहर से उत्तराखंड पहुंचते हैं वो ज़रूर एज ए सुवनियर और मिठाई के रूप में स्वीट्स वहाँ से लेकर आते हैं। तो जब अटल जी का भी वहाँ पर जाना हुआ था, तो आपको बता दें कि उस समय कोश्यारी जी ने, जो कि अभी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, तो भगत सिंह कोश्यारी जी ने उनको ऑफ़र किया। और सिंगोड़ी भी एक मिठाई है, सिंगोड़ी दरअसल टिहरी में बहुत फेमस थी, हालांकि अब जब से टिहरी डूबा है उसके बाद से अब आगरा खाल वगैरह में उसका प्रोडक्शन होता है, लोग बनाते हैं और बड़ी संख्या में लोग पहुंचते भी हैं ख़रीदने के लिए। तो सिंगोड़ी और बाल मिठाई, ये दोनों चीज़ अटल जी को ऑफ़र की गई और उनको इतनी पसंद आई, इतना उनको स्वाद लगा कि उन्होंने खुद भी खाया और उसके बाद जो लोग आसपास थे, खुद अपने हाथ से सबको ऑफ़र उन्होंने किया, सबको आगे भेंट किया। वैसे इंटरेस्टिंग ये भी है कि 88-89 के आसपास भी अटल जी का जाना हुआ था उत्तराखंड, और हिंदी दिवस का दरअसल ये अवसर था और अटल जी वहाँ पर पहुँचे थे और कई जगहों पर उस दौरान वो घूमने गए। हालांकि उस समय उनके लिए एक जिप्सी का इंतज़ाम किया गया जिसमें उन्होंने भ्रमण किया और आसपास घूमे, और दिलचस्प ये है कि उसके बाद जो होटल मालिक था उसने उस जिप्सी को बड़े संभाल कर सहेज कर रखा, जैसे प्रदर्शनी में कोई चीज़ लगाई जाती है कि भाई ये वो जिप्सी है जिस पर अटल जी आए थे और इस जिप्सी पर वो घूमे थे, तो सुरक्षित उसको होटल में मेंटेन करके रखा गया। और आज भी जो टूरिस्ट हैं वो पहुंचते हैं वहाँ पर, उसे देखते हैं, उसके साथ में फ़ोटोज़ लेते हैं, सेल्फीज़ का दौर। पहाड़, जल, जंगल, ज़मीन, हिमालय, उत्तराखंड की वादियाँ, पहाड़ के लोगों का रहन सहन, उनका स्वच्छ उन्मुक्त व्यवहार, ये तमाम वो चीज़ें हैं जिनसे अटल जी बहुत प्रभावित थे और बहुत मानते थे। अटल जी का उत्तराखंड से जुड़े एक जुड़ाव रहा है, उसके वजह से भी, देखिए जब उनका निधन हुआ, जब वो नहीं रहे, तो उनकी अस्थियों का विसर्जन हर की पैड़ी में जो ब्रह्मकुंड है वहाँ पर किया गया, और जब वहाँ पर उनकी पार्थिव शरीर जब उनका निकला, जब ये पूरी अंतिम यात्रा निकली, तो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर बीजेपी के जो तमाम बड़े लीडर्स हैं, मंत्री हैं, सेंटर से जो लीडरशिप थी वो सब तो वहाँ पहुँचे ही, और पूरा जो है काफिला निकला और अंतिम पड़ाव जो था जहाँ पर उनकी अस्थियों को विसर्जित किया जाना था वहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुँचे थे इस घटना के साक्षी बनने के लिए। बच्चे थे, बुज़ुर्ग थे, महिलाएं थीं, युवा थे, हर तरह के लोग उस दिन पहुंचे, और हरिद्वार उस दिन जो है इस पूरे घटना का साक्षी बना और युग पुरुष को इस तरह से वहां पर अंतिम विदाई दी गई। अटल जी अमर हैं, अमर रहेंगे, सदैव अटल, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आप उत्तराखंड से अगर आते हैं तो आपको ये इतिहास भी उनके बारे में ज़रूर पता हो। धन्यवाद।